तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी किरचॉफ्स का करंट लॉ पढ़ा। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ हमने पढ़ी कि व्हाट इज़ जंक्शन, व्हाट इज़ ब्रांच, व्हाट इज़ लूप। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जहाँ पे मैंने किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में बताया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड किरचॉफ्स लॉ, जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है बोर्ड्स एग्जाम में और बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस फील होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में। तो ट्राई करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने का, सिंप्लीफाइड तरीके से इसको समझने का कोशिश करते हैं। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ जनरली एप्लीकेबल होता है किसी भी ब्रांच या लूप पे। किरचॉफ्स करंट लॉ एप्लीकेबल होता है किसी भी नोड या जंक्शन पे। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो से ज़्यादा करंट मिलते हैं, करेक्ट। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ब्रांच और लूप क्या होता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो अभी किरचॉफ वोल्टेज लॉ ब्रांच और लूप का एप्लीकेबल होता है, ये सीखेंगे कि उसको कैसे अप्लाई करना है। इसका वेरियस एप्लीकेशन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया जाएगा और किसी भी एक स्पेसिफिक ब्रांच से आपको पूछा जाएगा कि इस ब्रांच से करंट कितना जा रहा है या इस स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना है। तो वो चीज़ समझने के लिए आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेसिक से समझना ज़रूरी है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज एप्लीकेबल टू अ ब्रांच और अ लूप। दूसरा चीज़, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आसान करने के लिए हमको किरचॉफ लॉ आना चाहिए। तो किरचॉफ लॉ का एक छोटा सा फिगर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं पहले। लेट अस कंसिडर एन EMF कनेक्टेड। इस EMF को मैं E1 बोल देता हूँ। दिस इज रेजिस्टेंस R1। एक और रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगाया, दैट इज R2। आगे चल के देर इज वन मोर रेजिस्टेंस हियर R3 एंड आई हैव कनेक्टेड 2 EMFs। दिस इज E2। दिस इज अ जंक्शन, ये इसको मैं जंक्शन बोल सकता हूँ। ऑलरेडी मुझे पता है जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो से ज़्यादा करंट मिलते हैं। अगर मैं सर्किट के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको नाम देने की बात करूँ तो वी कैन नेम देम एज A, B, C, D, E, F। आई कैन ईजिली से बी एक प्रकार का जंक्शन या नोड है, बिकॉज दो से ज़्यादा करंट उस पॉइंट पे मिल रहे हैं। सिंपली अगर करंट फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से करंट फ्लो, वी ऑलरेडी नो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, लेट अस से I1 करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से करंट I1 आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन से हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। सीरीज कंपोनेंट अगर आप लगाते हो, चाहे कोई भी कंपोनेंट हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फ्लोइंग थ्रू ईच कंपोनेंट इज सेम, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग आता है V1 प्लस V2 सीरीज कॉम्बिनेशन में। और अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज सेम, लेकिन उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है दोनों कंपोनेंट में, मेन करंट वो दोनों में डिवाइड होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ इफ आई सी हियर, सेम करंट सीरीज में रेजिस्टेंस, तो सेम करंट I1 यहाँ से जाएगा, यहाँ भी एक EMF है तो यहाँ से एक दूसरा करंट आएगा I2। तो अगर आप देखोगे यहाँ से आ रहा है I1, यहाँ से आ रहा है I2। बी पॉइंट में मैं किरचॉफ्स का करंट लॉ लगा सकता हूँ और दोनों मिला के इस पॉइंट से जो करंट जाएगा दैट विल बी I1 प्लस I2। किरचॉफ्स करंट लॉ में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि करंट जो अंदर आ रहा है दैट इज इक्वल टू करंट जो बाहर जा रहा है। तो ये अंदर वाला करंट I1 है, I2 है और दोनों मिला के वो सर्किट से बाहर निकल रहा है करंट। अभी देखो फिर से नीचे आएगा I1 प्लस I2, ठीक है। अब अगर रिस्पेक्टिवली मैं फिर से इस पॉइंट की बात करूँ तो फिर से इस पॉइंट से करंट जाएगा I1, इस पॉइंट से करंट आएगा I2। मतलब फन वे में मैंने जनरली ये एग्जांपल हमारे क्लास में दिया था जब मैंने रेगुलर पढ़ाया था पहली बार। तो मैंने ये बताया था कि मानो आपको सुबह सुबह ट्रिप के लिए निकलना है, आप बहुत एक्साइटेड रहते हो, राइट। याद करो वो दिन स्कूल ट्रिप्स, है ना, जब सुबह 5 बजे हमको अर्ली मॉर्निंग बस पकड़नी रहती थी, है ना, और हम रात भर इंतज़ार करते थे कि कब सुबह होगी, है ना। उस ख्याल में हमको नींद ही नहीं आती थी, है ना, कि जल्दी से उठ के रेडी होके 4:30 बजे एक्साइटेड है, पूरी रात भर इमेजिन करते थे कि ट्रिप में ये करेंगे, विल हैव फन, इसके साइड में बैठेंगे, इसके बारे में ये बात करेंगे, म्यूज़िक प्लेयर पे ये गाना बजेगा, करेक्ट। तो उसी तौर पे मान के चलो ये I1 आप हो और ये I2 आपका बेस्ट फ्रेंड है, करेक्ट। I1 और I2 आप दोनों मिले 5 बजे सुबह बस पकड़ के और पूरा जर्नी आपने एंजॉय किया I1 प्लस I2। शाम जैसी होती है 9:30, 10 बजे ट्रिप की जो बस वापस आती है, तो आप अपने रास्ते, आपका दोस्त अपने रास्ते। तो इस तरीके से I1 एंड I2 वापस डिवाइड होके अपने अपने रास्ते चला गया। अगर आप देखो अभी इस सर्किट में दो लूप बने हैं,
मैंने क्या बताया था आपको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज एप्लीकेबल टू लूप, करेक्ट। तो यहां पे अगर मैं पहले लूप की बात करूं तो आई कैन से लूप ए बी ई एफ ए, इस लूप पे मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकता हूं। अब सबसे मेन सवाल है कि किरचॉफ लॉ होता क्या है, तो किरचॉफ लॉ ये होता है द अल्जेब्रिक सम ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ लूप इज जीरो। तो किसी भी लूप के अक्रॉस अगर मैं अल्जेब्रिक सम लूँ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस का तो वो जीरो आता है। अब रहा सवाल व्हाट इज EMF एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे ये EMF मैंने लगाया है, इस EMF की वजह से कुछ वोल्टेज हमारे पास है बैटरी के तौर पे। जैसे जैसे ये वोल्टेज की वजह से देर विल बी सम करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर करंट फ्लो होगा तो देर विल बी अ वोल्टेज ड्रॉप। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, वो होगा I1 into R1। ये किसने बताया, ये बताया ओहम्स लॉ ने, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू IR R1। सिमिलरली अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 निकालू, वोल्टेज डिफरेंस अगर R2 के अक्रॉस निकालू तो वो आएगा करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो वो आएगा I1 प्लस I2 इंटू R2। अगर R3 की बात करूँ तो R3 के अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आएगा I2 इंटू R3। नाउ साइन कन्वेंशन हमको क्या बोलता है, लूप किरचॉफ्स का अगर आपको वोल्टेज लॉ लगाना है तो आपको एक चीज का पक्का ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको लूप सिलेक्ट करना है। तो मानो मैंने लूप सिलेक्ट किया ए बी ई एफ है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज, कंसीडर योर डायरेक्शन, आपका एक डायरेक्शन आप फिक्स कर लो लूप में जाने का। इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज, इट कैन बी क्लॉकवाइज, वो कुछ भी हो सकता है। मानो मैंने इस लूप में ये डायरेक्शन कंसिडर किया, आई हैव कंसिडर दिस डायरेक्शन ए बी ई एफ ए, इसको आप उल्टा भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ए बी ई एफ ए के तौर पर लिया। तो पहला चीज़ मैंने क्या बोला, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर आपको लगाना है तो पहले लूप सिलेक्ट करो, लूप सिलेक्ट कर दिया सर। दूसरा, आपका खुद का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन कंसिडर करो, सर मैंने कर दिया। पॉइंट नंबर थ्री है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। साइन कन्वेंशन में आपको एक चीज़ समझनी है, दो चीज़ों का आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, एक है EMF, दूसरा है पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो मैंने R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला V1, इसके अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी पता है V2 होगा, जो होगा R2 इंटू I1 प्लस I2। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कहीं, तो है ना, V2 इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, जो कि आएगा R2 इंटू ब्रैकेट I1 प्लस I2, ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप। अब साइन कन्वेंशन ये बोलता है, पहले हम साइन कन्वेंशन देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना, या पोटेंशियल ड्रॉप का, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का साइन कन्वेंशन आप समझना, उसके लिए दो डायरेक्शन का पता होना आपको जरूरी है। पहला तो करंट का डायरेक्शन जो हमने ऑलरेडी दिखाया है सर्किट में, दूसरा अपना डायरेक्शन। तो समझना, अगर अपना डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन मैच हो गया, ध्यान से समझना, अपना डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन मैच हो गया तो जो वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसका साइन हम लूप में निगेटिव कंसिडर करेंगे। जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे उस लूप पे ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो देखो, हमारा जो डायरेक्शन है ये है और जो करंट का डायरेक्शन है वो भी ये है, तो इसके अक्रॉस का जो ड्रॉप हम कंसिडर करेंगे दैट विल बी निगेटिव V1 यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ूंगा सर्किट में तो करंट का डायरेक्शन अगेन इन दिस लूप इज मैचिंग माई डायरेक्शन, तो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अगेन इट विल हैव नेगेटिव साइन, तो विच इज V2, अगेन V2 इज नेगेटिव, बिकॉज जिस डायरेक्शन में मेरा लूप है और जिस डायरेक्शन में मेरा करंट है अगर ये मैच हो रहा है तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप का साइन नेगेटिव आएगा। एल्स अगर उल्टा होता है, मैंने डायरेक्शन ऐसे लिया होता, उल्टा लिया होता ऐसे, तो ये पॉजिटिव आता, ये भी पॉजिटिव आता। अगर करंट का डायरेक्शन और मैंने लूप का जो डायरेक्शन लिया है वो अगर अपोजिट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होता है।
ठीक है, ये समझ में है आपको। तो लूप पे मैंने वोल्टेज V1 V2 ये दोनों नेगेटिव आए बिकॉज करंट का और मेरे लूप का डायरेक्शन सेम है। अब बात करते हैं EMF की। अगर आपके लूप में कोई EMF है तो उसका साइन कन्वेंशन आपको कैसे देना है? तो देखो, EMF में आपको ये समझना है कि आपका डायरेक्शन जो आप कंसिडर कर रहे हो वो निकल कौन से टर्मिनल से रहा है EMF के लिए। तो अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूँ तो मेरा डायरेक्शन निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो मेरा EMF का जो साइन आएगा वो पॉजिटिव होगा एंड अल्जेब्रिक सम इन द लूप विल बी जीरो। इतना आसान है। अगर मैं अभी V1 की बात करूँ तो मुझे ऑलरेडी पता है V1 यहाँ पे आता है I1 R1, V2 मुझे पता है दैट इज I2 into ब्रैकेट I1 प्लस I2, और ये हो गया EMF फॉर द फर्स्ट लूप। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फटाक से आप अभी एक काम कीजिए, सेम किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ ऑफ BCDEB पे लगाइए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। ठीक है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस। इसके बाद हम ट्राई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ें बेसिक समझ में नहीं आई तो रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए, खुद से दिमाग लगाइए एंड कमेंट इन द बॉक्स कि आपको सेकेंड लूप पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते आया कि नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।